हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्यूई एंड लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक यूजिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। और ये मेकअप लुक जो है समर स्लैश मॉनसून आप किसी भी वेदर में कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ड्यूई सेक्सी मेकअप लुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट, ये है मेरा ला ऑर्गेनो का रेटिनॉल सीरम। इसमें रेटिनॉल 2.5% है, नायासिनामाइड है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, विटामिन ई है, और सबसे अच्छी बात ये एंटी एजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप स्पॉटलेस स्किन चाहते हो तो आप ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। और बस इसको मैं डैप डैप करने के बाद सेकंड प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वो है मेरा विटामिन सी का ला ऑर्गेनो अगेन विटामिन सी का ब्राइटनिंग फेस जेल। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जेल कंसिस्टेंसी है, क्योंकि मानसून में ना बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाए जाते हैं। इस तरह के जेल प्रोडक्ट्स ही आप लगाएं अपने स्किन के बेस के लिए, तो मुझे लगता है तभी बेहतर रहेगा आपके स्किन के लिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस वो है ला ऑर्गेनो का हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी एंड यूवीबी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। ये है एक मैट फिनिश के साथ आती है। ये एसपीएफ 50 पीए प्लस 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 है। और या तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मार्स का ग्लो हाइलाइटर। ये है प्राइमर और बहुत ही अच्छा ग्लो लेकर आता है, मस्त वाला ग्लो आता है इसके साथ। आप देख सकते हो स्किन इतनी ज़्यादा हेल्दी और अच्छी लग रही है ना, मतलब मज़ा आ गया मुझे तो खाली बेस देखकर ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरी लॉरियल की इनफैलिबल कंसीलर। ये मेरी फेवरेट कंसीलर है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लाइक आई थिंक 700 के आसपास है, लेकिन ये वर्थ है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, जब भी नायका वगैरह भी अच्छे ऑफर्स चल रहे होते हैं आप इसको ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। बहुत ही अच्छी इसकी फिनिश है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ सो गुड। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन, ये है मेबेलिन की फिटमी फाउंडेशन इन द शेड 120। मैं आज यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं 120 और 128 दोनों ही यूज़ करती हूँ, जैसा मेरा मन होता है मेकअप करने का, कभी कभी मैं मिक्स भी कर लेती हूँ। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा क्रीम ब्लश और ये है कफ्स एंड लैशेज़ का ब्लश। ओ माई गॉड, आई जस्ट लव 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 दिस ब्लश। और ये इतने अच्छे से ये एक्चुअली ब्लश नहीं है, ये है चीक एंड लिप टिंट है, तो बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड होता है। अगर आपने अच्छे से स्किन को प्रेप किया हुआ है ना, तो आप इसको फाउंडेशन के ऊपर आप ब्लेंड कीजिएगा, लेकिन पाउडर लगाने से पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली ये ब्लेंड हो गया। और अब मैं करूँगी अपने मेकअप को सेट। सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा शुगर का बनाना पाउडर, ये है लूज़ बनाना पाउडर, और मैं इसको यूज़ करती हूँ ब्रश के साथ, और जहाँ जहाँ कंसील लगाया होता है वहाँ पर मैं डैबिंग मोशन में, अदरवाइज नॉर्मली पाउडर के साथ हम जैसे ब्लेंड करते हैं। उसके बाद आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। ये पैलेट मैंने बहुत टाइम के बाद निकाली है, मेरा बड़ा मन कर रहा था कि इसको आज मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं इसी के साथ जो उसका डार्क ब्राउन शेड है इसके साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी, और आज का जो मेरा कुर्ता मैंने पहना है ना उसी के साथ मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ मैचिंग। तो मैंने बेस के लिए सबसे पहले जो मेरा आई सेंटर में जो मैं कलर लगाने वाली हूँ वो होगा मेरा ब्लू कलर। काफ़ी मिलता जुलता शेड है मेरे कुर्ते के साथ, तो मैंने उसी में से ब्लू शेड लिया और एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से उसको लगा लिया। उसके बाद मैं इसके आउटर कॉर्नर पे अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी डार्क ब्राउन शेड, और उसको मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करती जाऊंगी। कलर थोड़ा थोड़ा लेना है और लगाना है और ब्लेंड करते रहना है, एक ही बार में ज़्यादा कलर लगाएंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो लोअर लैश लाइन पे भी मैंने सेम वही ब्लू शेड लिया है, उसी को मैंने लगाया है और ब्लेंड किया है। और उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का आईलाइनर, वॉक फ्री आईलाइनर। ये बहुत ही अफोर्डेबल आता है, लाइक आई थिंक ये 100 या 150 रुपीज़ का आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये भी, और रेगुलर यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगेन मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, ये मेरा न्यू परचेज था ये वाला मस्कारा, मैंने अभी एक या दो बार यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, लाइक अफोर्डेबल है। और इसके बाद लास्ट जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है मेरी ब्लू हेवन की हाइपर स्टे सुपर मैट लिपस्टिक। ये भी न्यू लॉन्च है गाइज, ब्लू हेवन की लिपस्टिक बिल्कुल बिल्कुल मैट लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है और शेड बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और अगर आप मुझे पूछोगे कि शेड कौन सा है गाइज, ये है स्मोक्ड वायलेट 708 शेड है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है, आप देख सकते हो। तो बस मैंने स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे लगाया और मेरा मेकअप लुक बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी मेकअप लुक हुआ है। तो अगर आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।